सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो कल्याण टीवी पंजाब ते मैं हर्षपाल सिंह। बठिंडा शहर के अंदर लगातार चोरी दियां ते लुटखो दियां वारदातां विच वाधा हो रहा। पिछले दिन ही भागू रोड विखे भी दुकानदारां वल्लों धरना लगाया गया सी अते उन्हां ने पुलिस से दोष लगाए सन कि चोरां दे खिलाफ मामला दर्ज होण तों बाद भी चोरी उही चोर अते उसे ही दुकान तों दुबारा चोरी करके लै गए। हुण अज बठिंडा दाणा मंडी दे अंदर व्यापारियों वालों धरना लगाया गया। व्यापारियों ने दा कहना है कि कुछ दिन पहला लुट खोह की वारदात हुई सी जिस विच जो लुटेरे सन जो वारदात नूं अंजाम दे के गए वह कुछ पैसे अते कुछ मोबाइल लैके गए सन, पर वह सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, चोरों तक नहीं पहुँच कर सकी। तो उस दे रोस वजो अज उन्होंने धरना लगा दिता है चौंक विच। की कहना है व्यापारियों का ते पुलिस अधिकारियों का, तुहानू सुणाउने आ। हांजी वीर जी, की नाम है तुहाडा? सर मेरा नाम देशदीप है जी। की गल होई तुसीं धरना लाया जी? सर परसों शाम नूं जी धरना तो सर आए भी आए दिन वारदातां तां रोज़ ही होंदियां जी, तकरीबन एक दिन भी नहीं टपदा जी रोज़ कोई ना कोई वारदात हो ही जाती है सर। हरेक नूं ही मतलब कदे लुट्टां खोहां दा हो ही जांदा, कदे चोरी हो जांदी, कदे लुट्ट खोह हो गई। परसों शाम नूं मेरे जी मतलब दुकान ते मैं घरों जांदा सीगा, दुकान तों घरे जांदा सीगा जनाब, ते उदों मतलब जदों मैं बैग रखिया किक मारन लग्या स्कूटर दी, ते एक नौजवान आया 20-22 साल दा 25 साल दा होगा, ते मेरा बैग खिच के लै गया जनाब, ते मैं मगर भज्जिया ते ओह मोटरसाइकिल ते बह के गांह भज गया, ते मैं उत्थे डिग पिया, तिलकण वाली सी परसों मीह पैण करके, ते बस ओह चले गया जी। ओह सर तीन जने सीगे जी, टोटल असीं वीडियो च देखिया चार जने सीगे, पर मोटरसाइकिल ते तीन जने सी, दो जने पहलां बैठे सीगे, इक जना ओहदे मगर बैठ के ते ओह चले गए जी। पुलिस कहती है भी वो करी जाते कार्रवाई, देखो भी हूँ पिछले बारी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस बार भी पिछले बारी भी सर मेरी चोरी हो गई थी 6 महीने पहला सर, उदों भी मतलब मेरे मोबाइल ही चोरी हो गए थे, उदों तो मतलब दुकान उपर दी आके चुबारे उपर दी आके लै गए थे, पर इस बार मतलब मेरे सीधे ही लुट के खो के लै गए जी। हाँ सर इतने शाम को जी कोई मतलब पेट्रोलिंग नहीं होंगी सर, साड़ी यह मंग है भी इतने पेट्रोलिंग वधाई जाए जी, साढ़े केस का हल किया जाए। बाकी सवेरे जदों भइए जाते उदों मतलब सवेरे 4 बजे तो लैके उदों पेट्रोलिंग पूरी फुल करी जाए, पूरा नाकाबंदी करी जाए, मतलब ताही असी सेफ महसूस करांगे सर, असी अनसेफ महसूस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा जी। सर मेरा 4.25 लाख की मतलब 4 लाख तो उपर उपर सीगा जी। सर साड़ी मतलब यह मंग है भी साडा जल्दी तो जल्दी यह मसला हल कराया जाए जी, तो इतने ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਸੇਠ ਜਿਵੇਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੋਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ? ਇਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉਦੋਂ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਉਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡਾ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਡਕੈਤ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਅਤੇ ਫੜ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ, ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ देखो, हजे तक तो जी अफसर यही कह रहे हैं गे भी असी कार्रवाई कर रहे हैं जी, बाकी सानू अफसर के उत्ते यकीन है जी कोई ना कोई 2-3 दिन हल करेंगे जी। हालात बई जी आए हैं भी चली जाते जी कम, हम जदों की यह सिस्टम जहाँ बनया गा सरकार आई है नवी उदों का घटनावान ज्यादा वधिया हुई जी, बाकी देखो आश्वासन दे रहे हैं पुलिस अफसर जी कोई ना कोई कार्रवाई तो करेंगे जी। मैं इस वार्ड तो मौजूदा MC वार्ड नंबर यह दाणा मंडी तो सब्जी मंडी जो सा बाजार है इतने अक्सर ही लुट खोह हो रही है, तो यह बहुत मदभागी गल है भी इस इलाके इस दुकान तो दूजी वारी चोरी हो गई है। लुट जी हुई है ये लुट लटेरे शरेआम तुरे फिरते हैं, साड़ी प्रशासन को यही मंग है भी इन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए तो साड़ी सुरक्षा की जाए। इस तरह का जे नुकसान हो ही गया तो लोग बचणगे किवें? 3 लाख के करीब कैश ही इस इंसान को, तो नाल इहदे कोल मोबाइल सी जो स्कूटर ते बैठन लगे नाल दे खोह हुई है, परसों शाम की गल है हले तक वह बंदे फड़े नहीं गए। साडी प्रशासन तो यही मंग है सारी मार्केट की भी तुसीं वह बंदे फड़ के उन्होंने बंद की कार्रवाई की जाए तो इन्हां नूं जिहड़ा समान आ मुहैया दुआरे करवाया जाए। लगातार साढ़े वो यही अज असी मार्केट बंद रखांगे,
तो प्रशासन को यही बेनती करांगे भी तुसीं किवें ना किवें बंदे फड़ो। वो बंदे दूजी वारी तो लुट हुई है, एक वारी दी पहले चोरी हुई तो हुण लुट हुई। इस तरह ही साढ़े पिछले चौंक दे विच वह अपना सेंट्री स्टोर की दुकान है, उसका 65,000 रुपया नकदी तो प्लस वह समान बहियां वगैरह वह भी इस तरह ही बैग गड्डी दे विचों कढ़ के लै गए। वो दुकान का लॉक लाउण लग्या तो उदों कैश उहदा लैके चले गए सीगे। इत्थे प्रशासन बनदी कार्रवाई करे, उन्होंने फड़े तो यह चोरियां रुक सकदियां ने। साड़ी यही दुआरे बार बार सारी मार्केट की यही मंग है भी ये माड़े इंसान है जिहड़े इन्हां नूं फड़िया जावे ते इन्हां दे नकेल कसी जावे। हाँ जी सर, की कहना चाहोगे जिहड़ा प्रदर्शन कर रहे ने? कल शाम नूं एक देश दीपक इत्थे दुकानदार ने दाणा मंडी बठिंडा दे विच, उन्हां दी दुकान तो 11 मोबाइल ते कुछ कैश वो जो दुकान बंद कर रहे थे उन्हां दी स्कूटी दे उपर रख्या होया सी, ते उत्थों एक चक के नामलूम व्यक्ति फरार हो गया ते उहते असीं FIR रजिस्टर की गई है ते बाकी दोषी दी असीं भाल कर रहे हैं। तो जिहड़े प्रदर्शनकारी ने मांग कर रहे हैं कि दोषी छेती तो छेती नामजद करके फड़िया जाए। सर इन्हां दा दोष है भी आए दिन लुट खुट सुट दीआं जिहड़ियां घटनावां वध रही हैं, पर पेट्रोलिंग दा कोई प्रबंध नहीं हैगा? साड़ी पेट्रोल बीट इत्थे अपने हाजी रतन चौंक च इत्थे पेट्रोल वन साड़े मोटरसाइकिल खड़ता है तो वह गाहे बगाहे इत्थे चैकिंग भी करता है, पर हुण इन्हां दी मंग नूं देखदे हुए असीं उन्हां नूं दुबारा इत्थे नज़दीक दाणा मंडी दे नेड़े उन्हां दा पॉइंट बनाया तो जितों इत्थों उह लगातार पेट्रोलिंग करनगे। सर किहे जिहे प्रबंध कीते जा रहे ने सुरक्षा नूं लै के, वड्डा व्यापारी वर्ग जिहड़ा हैगा डरिया होया इस माहौल दे विच? नहीं, जिहड़ी वारदात होई है उसनूं असीं जल्दी तो जल्दी ट्रेस करन लई कैमरे ते टैक्नीकल एफर्ट्स कर रहे हां ते जल्दी तो जल्दी असीं सुलझाउण दी कोशिश कर रहे हां।